आज हम बनाने वाले हैं एक और मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो बनाना ना केवल बहुत आसान है, हेल्दी भी है। आपको इससे बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है, फाइबर मिलता है और वेट लॉस में तो ये बहुत ही कारगर है। बहुत लाइट वेट ब्रेकफास्ट जो होता है। तो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पहचान में आ गया? हाँ, ऑलमोस्ट हम सभी के घर में रोज़ सुबह सुबह यही बनता है। अब इतना इजी होता है, झटपट बन जाता है, कोई झंझट नहीं होती, तो फिर बनना तो लाजमी भी है और फिर सबका फेवरेट भी होता ही है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बस आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। पीनट्स आपके घर में होने चाहिए। पीनट्स से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि पीनट डालकर इसको ज़रूर बनाएं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा, और इसके लिए मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, जो मूँगफली होती हैं या जो पीनट्स होते हैं उनको मैं विदाउट ऑयल या विदाउट घी मैं उनको रोस्ट करती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा था कि आज ना इसको थोड़ा सा घी डाल के और रोस्ट कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसको घी डाल के रोस्ट किया है। बट आप अगर घी वगैरह या तेल वगैरह ज़्यादा अवॉइड करते हैं तो आप इसको नॉर्मली भी विदाउट घी या ऑयल के आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, ये ईजिली रोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने उसी पैन में डाल दिया है थोड़ा सा और घी। अगर आपको ऑयल में बनाना है या फिर कोई और ऑयल यूज़ करते हैं, मैं जनरली मस्टर्ड ऑयल बनाती हूँ, बट आज मैं इसको घी में बना रही हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता। यस, कड़ी पत्ता ना पोहे की जान होती है, तो कड़ी पत्ता तो ज़रूर ही डालें। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं और वाकई में स्वाद को बढ़ा देता है। और मैंने इसमें डाल दी थी राई, तो राई और कड़ी पत्ता जब हमारा स्प्लटरिंग हो गई इधर उधर पूरा होने लगा, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है एक प्याज और हरी मिर्च बारीक बारीक काट के। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें दो ग्रीन चिलीज़ का यूज़ किया है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल आप इसको बनाकर खाओ, ये बहुत अच्छा लगता है। और बस हमारी जब प्याज जो गोल्डन ब्राउन सी हो गई, मतलब इसको बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं करना है प्याज को कि बहुत ज़्यादा उसको आप काला काला कर दो या जला दो, उसके बाद हमें इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर आप अपने अकॉर्डिंग, अगेन मैं बोलूँगी, डाल सकते हो। एक टमाटर है तो एक डाल सकते हो, अगर स्मॉल साइज़ के दो टमाटर हैं तो वो डाल सकते हो, और अगर एक भी टमाटर नहीं है ना तब भी बनेगा, डोंट वरी, है ना। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर ना गल जाएं, और नमक के साथ साथ मैंने इसमें डाल दी थी एक स्पून चीनी। तो आप एक से आधा स्पून चीनी डाल सकते हो, और ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे ना बहुत ही हल्का सा भीनी भीना सा जो एक मीठा सा स्वाद होता है ना वो तो आता ही है, और नमकीन का स्वाद होता ही है, और प्लस खट्टा खट्टा स्वाद आता है, लास्ट में हम नींबू डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो जब टमाटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा गल जाएगा ना, तो उसी बीच में हम डाल देंगे हल्दी। तो इसमें और कुछ नहीं जाता है, बस इसमें हल्दी, नमक, और अगर आप चाहें तो हल्का सा चीनी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। तो देखो आप यहाँ पर जो टमाटर है ना वो पूरी तरह से गल चुका है, क्योंकि टमाटर को ना गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसमें एक बार पोहा डाल दोगे ना, तो पोहा डालने के बाद आप इसको मतलब पोहे को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पकाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी वो इतना लाइट वेट होता है, बस उसको मिक्स करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था पोहा। पोहा को मैंने 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धोकर साफ करके, जो उसका मैलापन होता है ना, पानी गंदा गंदा निकलता है इनिशियली, तो आप बहुत अच्छे से साफ करना पोहे को, और पोहे को साफ करने के बाद ही आप उसमें डालना, और उसकी जो गुड़ी गुड़ी होती हैं उसके बाद उसको अच्छे से फोड़ देना, मतलब जिससे अच्छे से मसाला ना हर जगह पोहे में पूरी तरह से भर जाए। और मैंने लास्ट में डाल दी थी मूंगफली यानी पीनट्स जो मैंने रोस्ट की थी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ जिससे सारा मसाला ना अच्छे से भुन जाए। मतलब ये मुश्किल से 2 मिनट का काम होता है। बस आपका मेन जो होता है ना वो होता है आपका जो भी आपने टमाटर डाला है, या अगर आप कुछ और वेजिटेबल डालना चाहते हो ना तो आप इनिशियली डाल सकते हो। बहुत बार पोहे को ना आलू के साथ भी बनाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे बारीक बारीक आलू काटकर और थोड़ा सा मतलब उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं, तो वैसे भी आप बना सकते हो। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप आलू डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यही चीज़ें चाहिए आपको, जो आपके पास अवेलेबल है ना वो डालो। और उसके बाद जब मेरा पोहा पूरी तरह से बन गया, उसके बाद मैंने गैस कर दी थी बिल्कुल बंद, और उसके बाद ही मैंने डाला है नींबू का रस, एक नींबू का रस है ये, और ऊपर से मैंने कर दिया हरे धनिए से गार्निश, और उसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ, चला रही हूँ। नींबू का रस जो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि कभी भी कोशिश करिए कि जब भी आप किसी सब्जी में डाल रहे हैं, देखो बहुत सारी सब्जियों में, कुछ कुछ सब्जियों में मैंडेटरी होता है कि ठीक है आपको कहीं कहीं स्टार्टिंग में डालना पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों में, बट जहाँ आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप लास्ट में उसको गैस ऑफ करने के बाद डालें, तो उन सब्जियों में आपको ऑफ करने के बाद ही डालना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जो विटामिन सी होता है नींबू में बहुत ज़्यादा,
ज़्यादा तो वो लॉस्ट हो जाता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। तो इसलिए मैं जो ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें मैं बाद में लास्ट में यूज़ कर सकती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा गैस फ्लेम ऑफ़ करके डालती हूँ। जैसे कि पोहा हो गया, पोहे में मैं हमेशा बंद करके गैस ऊपर से डालती हूँ। ऐसे अगर सपोज़ आप भिंडी बना रहे हो तो भिंडी में थोड़ा सा जो खट्टापन लाने के लिए लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी भिंडी बन जाती है तो उसके बाद फ्लेम ऑफ करके ऊपर से नींबू डालती हूँ। सिमिलरली मैं करेले में भी ऐसे ही करती हूँ। तो नींबू का रस हमेशा मैंने आपको बताया है कि गैस ऑफ करके ऊपर से डाला कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ उसके विटामिन सी जो होता है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो ईजी सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेसिपी है वो पसंद आया होगा। आप बने रहना मेरे साथ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।